देखिए, एक कहावत आपने अंग्रेज़ी की सुनी होगी, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हम लोग वो कल को दुर्घटना कोई हो जाए उससे सचेत होकर के आज यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी और ओम प्रकाश राजभर जी के निर्देशों पर यहाँ आज हम लोग सारे कार्यकर्ता और लगभग इस मऊ विधानसभा मऊ जनपद में चारों प्रत्याशी हम सब यहाँ पर अपने अपने समर्थकों के साथ इसलिए इकट्ठा हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमें ऊपर से निर्देश आया है कि साजिशें हो रही हैं और पहले भी ऐसी कई जगहों पर साजिशें हो चुकी हैं, बनारस में, चंदौली में और यहाँ जंगीपुर में, बरेली में, अंबेडकर नगर में ऐसी कई घटनाओं की खबर आ गई है जिससे हम सब के कान खड़े हो गए और हम लोग अपने देश के संविधान की रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र को बहाल रखने के लिए जो ताकतें संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ काम करके लोगों के प्रयोग किए हुए मताधिकार में बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ आज आवाम के अंदर जागरूकता है और सब लोग इसीलिए यहाँ पर आज इकट्ठा है। देखिए, जिस तरीके से एग्जिट पोल चलाया जा रहा है उस एग्जिट पोल की आड़ में कहीं ना कहीं धांधली की कोशिश करी जाएगी, ऐसा हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों का कहना है। तो उनके निर्देशों के अनुसार सभी कार्यकर्ता आज यहां पर इकट्ठा है। कब तक बैठेंगे? जब तक कि हमारी काउंटिंग न शुरू हो जाए और काउंटिंग खत्म ना हो जाए। देखा चाचा, हम बताए आपको पहली वाला करने और जिनको जिनको और जो इस लोग सर किस प्रकार का आप लोग हम लोगों को पूरी शंका है कि हमारे जो सुरक्षा जो हमारे लोग अंदर ईवीएम की सुरक्षा में बैठे हुए हैं रात में यहाँ की पुलिस उनको ज़बरदस्ती यहाँ से पकड़ करके उठा ले जाने की कोशिश कर सकती है, ऐसी संभावना है। ऐसी परिस्थिति में हम सारे लोग इस तरह की कोई घटना न होने पाए हम लोग यहाँ रात भर बैठे रहे। बोला जा रहा है कैसे रात को सुनेंगे।